सिवनी के राजनीति में युवाओं को सकारात्मक राजनीति के लाने के लिए एक नाम जाना जाता है, नाम है गौरव जायसवाल, जो आज हमारे चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं संजय बघेल, और गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे जिले की और प्रदेश की राजनीति में। पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बन चुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, आपका हमेशा से सहयोग रहा है। राजनीति में आने का विचार आपके मन में कैसे आया? संजय भाई, वैसे तो मैं बहुत शुरू से ही बहुत डिबेटिंग किस्म का व्यक्ति रहा हूँ। चर्चा करना और डिबेट करना मेरी प्रवृत्ति का हिस्सा है, तो इसलिए जब मैंने इंजीनियरिंग भी पढ़ी तो जब मैं नौकरी करता था, मैं एक टेलीकॉम एमएनसी में काम करता था, मुझे समझ में आया कि ये मतलब ये वो काम नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। फिर उसे छोड़ के मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आया। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में जब मैं आया तो मुझे समझ में ये बात आई कि आपको सिर्फ लोगों की मदद करके आपका काम नहीं बनने वाला, आपको लोगों के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। एक तरफ आप लोगों का काम करिए, एक तरफ लोगों की मदद कीजिए, दूसरी तरफ उनके हक के लिए लड़िए। इसमें जब मैं आया तो फिर अन्ना मूवमेंट हुआ, तो मैं अन्ना मूवमेंट का हिस्सा हो गया। सिवनी में 4 लेन का आंदोलन चला, मैं 4 लेन के आंदोलन में काफी सक्रिय रूप से शामिल रहा। और ऐसा करते 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 समय के साथ मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं कब राजनीति में आया। लेकिन एक बहुत जरूरी घटना जो मैं बताना चाहता हूं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में और ताकत लगाया जाए, ये विचार मेरे मन में जब बड़ा हुआ उसका कारण था कोविड का काल। जब कोविड के काल में हमने जमीन पे देखा कि क्या स्थितियां हैं, और तब जब हमें समझ में आया कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, वो क्यों नहीं अपनी शक्तियों का उपयोग इस भीषण काल में लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि जरूरत असल में यह है, पॉलिसी में आना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली पावर में आना पड़ेगा, तभी आप फिर इस तरह से लोगों की मदद करने का जो काम है उसको बड़े स्केल पे कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे। ये मुझे लगता है कि मेरी राजनीतिक यात्रा का बड़ा एक पड़ाव। पिछली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए आपने काफी मेहनत की, कोमल जायसवाल जी के लिए भी आपने काफी प्रयास किए थे नगर पालिका चुनाव में, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको नागरिक मोर्चा के साथ में भी आना पड़ा? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, टेक्निकली यदि मैं आपको बताऊं तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी नहीं। और वो इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि नई पार्टी थी, पार्टी के अपने संघर्ष थे। दिल्ली हम जीत चुके थे और उस वक्त हम फोकस कर रहे थे कि हम जो नियरेस्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, ऐसा फल पहले तोड़ा जाए जो पास है पेड़ में। तो पंजाब हमारे लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट था, पंजाब में हमारे पास पहले से सांसद थे, विधायक थे, तो पार्टी का फोकस जो था वो मध्य प्रदेश तब नहीं था। कोमल जब चुनाव लड़ी थी यहां से, तो तब भी आम आदमी पार्टी ने नगर पालिका चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया था, तो इसलिए कोमल को निर्दलीय हमने चुनाव में उतारा था। और वही कारण था कि जब मैंने तय किया कि मुझे नगर पालिका के चुनाव में आना है, और ये बात क्लियर नहीं थी कि पार्टी इलेक्शन में आएगी या नहीं आएगी, वो पुरानी बात है, 2017-18 की बात है। तो फिर हमने तय किया कि क्योंकि नागरिक मोर्चा एक बहुत पुराना संगठन है, मेरी अपनी अपना जुड़ाव राजेंद्र गुप्ता अंकल के साथ या नरेंद्र अग्रवाल अंकल के साथ या और भी जो नागरिक मोर्चा के पुराने लोग हैं उनके साथ मेरा शुरू से जुड़ाव रहा है, तो हमने तय किया कि इसको मजबूत किया जाए, एक चीज। दूसरा, राजनीतिक दल अपनी जगह है, वो हैं रहेंगे, सबकी अपनी राजनीति है। मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे, जैसे नगर पालिका से जुड़े जो मुद्दे हैं या पंचायत से जुड़े मुद्दे, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि उन इश्यूज को रेज करने के लिए हर जगह नागरिकों के संगठन होना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं नागरिक मोर्चा को उस नजरिए से। नगर पालिका चुनाव में जैसे इस बार पूरी ताकत के साथ 24 वार्डों पे आप उतर रहे, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिल पाया, क्या वजह है? और नहीं तो हम पूरे 24 वार्डों में नहीं उतरे, और उसका कारण ये था कि हमें जो प्रणाली बदली, तो पहले हमारा जो जैसे हमारी तैयारी थी कि मैं खुद नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ता, और फिर उस मोमेंटम पे कि वो जो शहर, पूरे शहर में हम एक मोमेंटम खड़ा करते कि हम एक नया चेहरा लेकर के आए हैं और हम एक नई बात कर रहे हैं, नई तरीके की राजनीति हम करना चाहते हैं,
उस पे फिर हम साथ में वार्डों में पार्षदों को उतारते और फिर हम चुनाव लड़ते। लेकिन जब प्रणाली बदल गई तो हमें समझ में आ गया कि अब ये प्रणाली हमारे लिए है नहीं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रणाली क्यों बदली गई भाई, जब इतने वर्षों से एक तरह से चुनाव होता था कि हर वोटर दो वोट डालता था, एक अध्यक्ष का और एक पार्षद का, तो फिर इस बार ये क्यों हुआ कि अध्यक्ष का वोट नहीं डालेगा? वो इसलिए क्योंकि सरकारें चाहती थी कि इनडायरेक्ट चुनाव हो, पार्षदों की खरीद फरोख्त हो और खरीद फरोख्त करने के बाद फिर अध्यक्ष बनाया जाए। ये बात बिल्कुल साफ तौर पे सामने थी। आपको भी पता है, मुझे ये बात साफ कहने में कोई हिचक भी नहीं है कि सरकार चाहती थी कि पार्षदों की खरीद फरोख्त हो और बड़ी मात्रा में वो हुआ भी। तो फिर हम ये समझ गए थे कि अब ये लड़ाई हमारे लिए नहीं बची, हम इस तरीके की राजनीति के लिए अभी तैयार नहीं है, ना हमसे होगी ना हमें आती। हम तो इशू बेस्ड लड़ाई में थे, हम सालों साल से लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई सड़क बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए, पानी नहीं है, वो हमारा संघर्ष था। और उससे हम ये प्रणाली उसके लिए हमारे लिए मुफीद नहीं थी, सही नहीं थी, और इसीलिए हमें उसके लिए रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। मैं खुद अपने लिए वोट मांगने जाता तो मैं मानता हूं शायद मुझे ज्यादा वोट मिलता, लेकिन मैं किसी और के लिए वोट मांगने जाऊं, किसी एक्स कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाऊं, तो फिर बहुत वोट उतना कन्वर्ट मेरे नाम पे वो या प्रभाव नहीं नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता। लेकिन फिर भी हमारे कुछ कैंडिडेट्स बहुत अच्छा चुनाव लड़े। किदवई वार्ड में राम गोपाल चौधरी चुनाव लड़े, उन्होंने कमाल का चुनाव लड़ा, बहुत कम बजट में, लगभग न्यूनतम बजट में। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना कम पैसा खर्च करके कोई कैंडिडेट जो है वो 20-22% 23% वोट ले सकता है। बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया, ईमानदारी से उन्होंने चुनाव लड़ा, और हमें उस बात का बहुत गर्व है कि हम कुछ अच्छे उदाहरण रख पाए। सक्सेस अनसक्सेस ठीक है, राजनीति का रास्ता है, अभी बहुत लंबा है, सीख रहे हैं शायद। वो कहते हैं ना, अट्ठों खेलते थे पहले, तो पहली बार में शायद 6 आए या पहली बार में 1 आए, तो जो आया कहते थे भाई 6 आया राम को, 6 भी राम को, 10 भी राम को और 1 भी राम को। तो हम ये मान रहे हैं कि ये वाला हमारा राम को गया। राम को गया। नगर पालिका में जैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों लगभग शासन कर चुकी हैं पहले भी, और अभी वर्तमान में कांग्रेस शासन कर रही है, दोनों सरकारों में शहर के विकास को लेकर कमियां क्या देखते हैं? भयंकर कमी है, फेलियर है, एब्सोल्यूट फेलियर। और उसका कारण यह है कि देखिए, सबसे बड़ा कारण है नियत। आप इसे ऐसे समझिए कि जब तक वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी प्राइमरी नियत काम करने की नहीं होगी, प्राथमिक नियत जो उनकी है, पहला मन उनके दिमाग में जो पहला विचार आता है वो ये नहीं आएगा कि भाई हमको शहर के लिए क्या करना है, तब तक ये हम और आप ऐसी बेमानी उम्मीद इनसे लगाए बैठे रहेंगे कि ये लोग कुछ करेंगे। पहले जो स्थिति थी, एक उदासीनता थी नगर पालिका में कि कोई लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, या एक तरीके से जिसको पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति कहते हैं वो बनी हुई। अभी की स्थिति ये है कि सारे लोग मिलकर के सोच रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका का दोहन किया जाए, शहर का दोहन किया जाए, उससे कैसे आर्थिक लाभ बनाए जाए। और यदि इस रास्ते यही विचार का रास्ता होगा, यही सोचने की दिशा होगी, तो फिर तो आप और हम यदि ये सोच रहे हैं कि इससे कुछ बदलने वाला है तो कुछ बदलने नहीं वाला। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही बन जाए, खराब क्वालिटी का बन जाएगा, लेकिन उसको विकास की श्रेणी में मैं नहीं मानता। गौरव जी, जैसे आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो अभी नगर पालिका ने सीमेंटेड रोडों के ऊपर डामरीकरण जो किया है, कितना खराब मापदंड है ये, उस पर दो लाइन बोलिए। देखिए क्या है कि हिंदी में इसके लिए कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में एक बहुत आम कहावत है जिसको कहते हैं लीपा पोती। ये लीपा पोती है कि अब आपने खराब क्वालिटी की सीमेंट की सड़क बनाई थी, आपको चाहिए था कि यदि वो जल्दी टूट गई तो आप आइडेंटिफाई करते कि किस ठेकेदार ने बनाई, आप आइडेंटिफाई करते कि किस सब इंजीनियर के सुपरविजन में बनी, आप आइडेंटिफाई करते कि उस वक्त किसने, अध्यक्ष ने, पार्षद ने, किसने उसके दस्तखत करके बिल पास किए, और उन लोगों पे आप कार्रवाई करते और फिर आप उससे वसूली करते और उसको फिर अच्छी क्वालिटी की बनाते। ये है सही प्रक्रिया। अब ये है कि भाई अब वही पुराने पाप जो है उनको ढांकना है, तो ढांकने के लिए ऊपर से कुछ ना कुछ चढ़ाने हैं, तो फिर डामर ही चढ़ा एक दो। भ्रष्टाचार की लेयर और चढ़ा बिल्कुल दी। उसके ऊपर एक भ्रष्टाचार की एक बढ़िया चमचमाती हुई लेयर
और आप चढ़ा दीजिए, पुराने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक नए भ्रष्टाचार की लेयर है। अब तो प्रदेश की राजनीति में आ गए हैं, तो प्रदेश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और हम बार बार कहते हैं कि हम सबसे छोटे राजनीतिक दल, हम सबसे नए राजनीतिक दल हैं, हम नए प्रयोगों का राजनीतिक दल है, हम नए नए तरह के प्रयोग करते हैं, अपने संगठन के अंदर प्रयोग करते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं वो ज्यादातर गैर राजनीतिक लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी से कनेक्शन नहीं है, या वो राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि उन्हें कोई बहुत ठेकेदारी करनी है या किसी तरीके का आर्थिक लाभ चाहिए। बड़ी संख्या में आज भी आम आदमी पार्टी में आपको ऐसे हमारे जैसे लोग मिलेंगे जो कोई अपना कॉरपोरेट का कैरियर छोड़ के आया है या इस तरह से। तो अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में हम अपने आप को एक नई हवा की तरह देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो ठहरा हुआ पानी है, वही 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 भाजपा कांग्रेस वही लोग। तो एक जो ठहरा हुआ पानी रहता है वो सड़ता है, गलता है, खराब होता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं डेंगू के। लेकिन जब उसमें एक नया नया पानी आके, बहता हुआ पानी जो होता है वो अपने आप को स्वच्छ करता है, नई बयार है। तो आम आदमी पार्टी को मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में एक फ्रेश एयर की तरह देखता हूँ, फ्रेश ब्रीज की तरह देखता हूँ। एक नई पुरवाई आई है, एक नई हवा आई है जो ताजगी लेकर के आएगी और लोगों को एक उम्मीद देगी, और फिर हम अपनी राजनीतिक रणनीतिक सोच के हिसाब से और समझ के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फिर आगे जनता जो है। मध्य प्रदेश में अभी पटवारी भर्ती पे गड़बड़ी का मामला बहुत उछाल में आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा ऐसी कोई बड़ी मुहिम नहीं छेड़ी गई जो सरकार को घेरने की हो। अरे, ऐसा नहीं है, पटवारी भर्ती पे पूरे प्रदेश स्तर पे प्रदर्शन हुए और पटवारी भर्ती पे हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रानी अग्रवाल, उनके अपने नेतृत्व में भोपाल में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। पटवारी भर्ती में लीगल लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? एक क्योंकि भाई, एक तो पॉलिटिकल लड़ाई है कि आप जमीन पे उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो तो हमने किया ही किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी श्री बी एस जून साहब जो दिल्ली से एमएलए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और तो हमारा एक राजनीतिक संदेश तो क्लियर है उसको लेकर। दूसरा, फिर लीगल लड़ाई कैसे हो सकती है उसको लेकर के, कैसे हम हाईकोर्ट तक जाएं और जो जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें हम कैसे मदद कर सकते हैं, उन अभ्यर्थियों को, उस पर भी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का लीगल सेल जो है वो काफी एक्टिवली काम कर रहा है। तो हम लड़ रहे हैं, हम थोड़ा कम इसलिए दिख रहे हैं, इससे मैं एग्री कर रहा हूं कि हम थोड़ा सा दिख कम रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश के मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी स्वीकार्यता नहीं है। ये मैं ऑनेस्टली स्वीकार कर रहा हूँ आपके सामने। और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग बहुत पुराने समय से जो एक बाइपोलर पॉलिटिक्स चली आ रही है भाजपा कांग्रेस की, तो अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये बाइपोलर पॉलिटिक्स है। तो इसमें तीसरी शक्ति को स्वीकार करने में जो मेन स्ट्रीम है उसको हाँ, थोड़ा समय जबकि लगता प्रदेश को है, इसकी जरूरत है, जरूरत तीसरे मोर्चे की जरूरत है। बहुत मैसेज जरूरत है। और आप देखिए, पिछले कई समय में आपको ऐसे बहुत सारे प्रयोग मिलेंगे। सिवनी खुद उस प्रयोग का एक उदाहरण रहा है कि सिवनी ने एक निर्दलीय विधायक को जिता दिया, यानी इससे संदेश साफ है कि जनता जो है, ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने उस भाजपा संदेश को, ज्वाइन कर ली। हाँ, जनता को एक तरीके से बिट्रायल करते हुए, धोखा देते हुए, और वो एक मेन स्ट्रीम दल में चले गए जिससे नाराजगी के कारण उन्हें वोट मिला था। लेकिन जो जनता का संदेश था वो तो साफ है, जनता ने तो दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट किया ही। लेकिन वर्तमान विधायक तो कहते हैं कि मैंने भाजपा में आया तो मैंने विकास भी लेके आया, काफी उपलब्धियां भी अपनी गिना रहे हैं। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या उपलब्धियां गिना सकते हैं, क्योंकि उनकी, देखिए, उनकी तो मैं कोई विशेष उपलब्धि नहीं मानता। एक उपलब्धि जो है वो सिवनी की जनता की है, जिसका नाम है मेडिकल कॉलेज। वो सिवनी की जनता की उपलब्धि, वो मैं भी आपको बताता हूं कैसे है। जब जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकार दिया, जब सालों साल से भाजपा जीतती आ रही थी और भाजपा को लगता था कि यार अपने को काम करने की तो कोई जरूरत है नहीं, सिवनी की जनता तो वैसे ही भाजपा को जिता देती, और जब पहली बार जनता ने भाजपा को हराया तब उन्हें समझ में आया कि भाई इनको कुछ देना पड़ेगा, जनता को कुछ आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो हराना शुरू कर दिया इन्होंने। तब सिवनी को मेडिकल कॉलेज मिला। तो ये जनता की उपलब्धि है कि जनता ने इकट्ठा होकर के वो पॉलिटिकल मैसेज दिया कि हम आपको हरा सकते हैं, आप हमको बेवकूफ मत समझिए। तो उनकी उपलब्धि तो मैं इसे नहीं मानता। उसके बाद तो फिर
ये जो कार्यकाल बीता बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, उसमें तो मुझे कोई कुछ दिखता ही नहीं बता रहा है, क्या बताएंगे। मध्य प्रदेश में अपराध बहुत चरम पर है, देश भर में दूसरा नंबर लगता है, तो कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? ये कानून व्यवस्था बहुत निराशाजनक है, और सिर्फ मतलब अपराध तो एक बहुत बड़ी श्रेणी है, उसको यदि आप टुकड़ों में भी देखेंगे, जैसे चोरी के मामले, हमारे सिवनी में चोरी के मामले बहुत भयंकर बढ़ गए हैं, गाड़ी चोरियों के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में मैं कम से कम 2-3 केसेस सुन चुका हूँ गाड़ी चोरियों के, अलग अलग जगहों से, मेरे परिचित लोगों। उसके बाद महिला सुरक्षा, ये बहुत बहुत भयंकर, उस यदि आप एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा के मामले में मतलब अव्वल क्राइम नंबर 1 पर है। नंबर 1 पे आता है। अभी जो हमने रिसेंट मामले देखे कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के लोगों पे, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पे जिस तरीके के अत्याचार हैं, जिस तरीके के क्राइम उनके अगेंस्ट हैं, ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत गंभीर है ये परिस्थिति। और ये इसीलिए है कि आप यदि देखें तो हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बड़े इंटरेस्टेड लेकिन हैं। प्रदेश के गृह मंत्री तो कहते हैं सब कंट्रोल में मैं है। आपको वही कहने वाला था कि गृह मंत्री का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है फिल्मों में, कि दीपिका पादुकोण कैसे कपड़े पहनती हैं, या फिर कौन सी फिल्म में क्या सीन आ गया। उनको एक्चुअली सेंसर वेंसर बोर्ड में कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए, उनका बहुत इंटरेस्ट है इसमें, उनका कानून व्यवस्था में कुछ विशेष इंटरेस्ट है नहीं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की इतनी भयंकर स्थिति है, एक तरीके से धीरे धीरे, तो इससे क्या होता है कि जब कानून व्यवस्था खराब होती है उससे भय व्याप्त होता है समाज में, और जब एक भयभीत समाज जो है वो कभी विकास नहीं करता। आपको उदाहरण बताता हूँ, सिवनी में एक दुर्घटना घटित हुई थी, एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली जो हमारी विद्यार्थी बहन है उसकी हत्या हुई थी थाने के पास, यदि आपको याद हो, कुछ वर्ष पुरानी बात। उसके तुरंत बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि बड़ी संख्या में ऐसे पालक जो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके मन में भय व्याप्त हुआ, और कुछ लोगों से मैंने ये बात सुनी कि उनका कहना था कि अब हमें डर लगता है अपनी बच्ची को कॉलेज भेजने में या स्कूल भेजने में। सिवनी, अब देखिए, एक एक तो क्राइम है कि क्रिमिनल आया, क्रिमिनल ने क्राइम किया, निकल गया, लेकिन उससे समाज में जो भय व्याप्त हुआ उससे शिक्षा व्यवस्था पे कितना नकारात्मक असर है। तो कभी भी किसी भी समाज में जब क्राइम बढ़ता है तो उससे वहां के सभी सार्वजनिक जो उपक्रम है, सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब पे खराब असर पड़ेगा। क्रिमिनल यदि इतने स्वच्छंद होंगे, डॉक्टर को मारेंगे जाकर के अस्पताल में, डॉक्टर काम नहीं करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इसीलिए क्राइम कंट्रोल करना जरूरी है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है, और हमारे विशेष तौर पर जो गृह मंत्री हैं, उनका तो मुझे बहुत नकारात्मक समझ में आता है। शिवराज शासन के जो 18 साल हैं उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे दो हिस्सों में देखता हूँ, और मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ बात, तो वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो वो ये है कि जब भी कोई नया आता है, कि राजनीति या जीवन में कोई भी चीज पैटर्न्स में चलती है, पैटर्न सेट हो जाता है कि भाई पैटर्न, आज हमें लगता है कि या तो भाजपा जीतती है, कांग्रेस जीतती है, एक पैटर्न है। जब ये पैटर्न टूटेगा तो कुछ बदलाव होगा, नई चीजें होंगी। वैसे ही एक समय था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार बनती थी, लोगों को लगता था कि अच्छा अर्जुन सिंह चले गए तो दिग्विजय सिंह आ जाएंगे, फिर कोई और सिंह आ जाएंगे, या कोई और आ जाएगा, या उनके पहले कोई और थे, तो लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ये जाएंगे और कोई और आएगा। फिर उमा भारती आई, उन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई पूरे प्रदेश में, उन्होंने बड़ा चुनाव का अभियान चलाया, और उसके बाद भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने पैटर्न को तोड़ा। जब वो पैटर्न टूटा तो अपने आप नए लोग आए, जब नए लोग आए तो जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जमे जकड़े थे उनको भोपाल से ट्रांसफर किया, एक नई व्यवस्था बनी। और जब भी कोई नई व्यवस्था बनती है तो काम होता है। तो निसंकोच कहूंगा मैं बात कि शुरू का जो पहला हिस्सा है उसमें कुछ नए काम हुए, और वो इसलिए हुए क्योंकि वो पैटर्न टूटा, पब्लिक ने उस पैटर्न को तोड़ा। तो चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या इस तरीके के और भी बहुत सारे काम है जो अलग अलग नए काम, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला या बिजली बदली, ये इसलिए नहीं बदली कि कोई भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, ये इसलिए बदली क्योंकि पब्लिक ने पैटर्न को तोड़ा। फिर उसके बाद अपने आप वो जो बदलाव था नई लोगों का आने का, वो अपने आप में पैटर्न बन गया। तो जब वो खुद ही पैटर्न बन गया तो अब जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमें देखने मिलता है व्यापम का घोटाला, पब्लिक
पटवारी भर्ती, पोषण आहार घोटाला, और ऐसे फिर पूरे प्रदेश में आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे, स्थानीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, जहां पे ना सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, अन्याय हुआ, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। तो अब जो स्थिति है वो फिर उस पैटर्न पे आकर के हम अटक गए। अब समय है कि उस पैटर्न को फिर तोड़ा जाए। जब ये पैटर्न टूटेगा तो फिर कुछ नया होगा। केजरीवाल जी हमेशा कहते थे करके मैं किसी भी सुविधा को नहीं लूंगा, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने सारी सुविधा लेने लगे, क्या कहेंगे? देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, हम नई पार्टी है, और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि हम नए लोग हैं, हमें राजनीति आती नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं। केजरीवाल जी के पिताजी अगर चीफ मिनिस्टर होते तो उन्हें यह पता होता कि चीफ मिनिस्टर जो है उसके कुछ प्रोटोकॉल्स उसको रखने पड़ते हैं, या फिर जब आपके घर में 50,000 लोग आ जाएंगे या 10,000 लोग आ जाएंगे तो आपको उनको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, या फिर जब आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके बाहर से विदेशों से आपके पास में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट लेडी आई, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बेटी है, जो पत्नी है, वो आई भारत, उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली के स्कूल देखने। तो भाई वो दिल्ली को स्कूल देखना ही, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी करेंगे, तो मुलाकात करने कहाँ जाएंगे? अब यदि वो फ्लैट में रहेंगे तो नहीं जा सकती। तो जब वो आए राजनीति में तो इस सोच से आए कि भाई ये वीआईपी कल्चर तो खराब है, इसको तो सुधारना है। इस पर हम आज भी अड़े हैं कि वीआईपी कल्चर खराब है और इसको सुधारना है। आज भी दिल्ली का एक एक विधायक, दिल्ली में अभी बाढ़ आई, मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूं, एक एक विधायक हमारा फील्ड पे था, एक एक विधायक, सारे लोग फील्ड पे थे, सबको रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी चीफ मिनिस्टर को कि आपके इलाके में बाढ़ के कारण क्या स्थिति है और उसको आपको कैसे सुधार। तो वीआईपी कल्चर के हम आज भी खिलाफ, लेकिन ठीक है, हमने वो सीखा, उन्हें ये समझ में आया कि भाई यदि आपको काम करना है, काम करने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना की जरूरत पड़ती है, और उसको उन्होंने बनाया या उसके उन्होंने व्यवस्था करी। केजरीवाल जी के शीश महल को लेकर भाजपा काफी तंज कसती है और उसे भ्रष्टाचार से जोड़ती है। हाँ तो ठीक है, मुझे लगता है कि जो भाजपा है उसके जबान से भ्रष्टाचार की बात तो बहुत हास्यास्पद लगती है, और वो उन्हें वो खुद भी हंसते होंगे। मतलब ऐसे लोग जो अभी मुख्यमंत्री सिवनी आए थे, तो आपने हमने सबने अपनी आंखों के सामने से देखा कि सरकारी खर्चे पे का कैसे दुरुपयोग किया गया, एक राजनीतिक कार्यक्रम कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए उसमें, और ऐसी यात्राओं के पूरे प्रदेश में चल रही। तो अब आप इमेजिन करिए कि किस स्केल पे, किस व्यापक स्तर पे सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं वो। तो यदि केजरीवाल जी ने एक ऐसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो उनका व्यक्तिगत नहीं, अपना घर नहीं बनाया, केजरीवाल का शीश महल, केजरीवाल का शीश महल नहीं बनाया, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास बनाया, और मुख्यमंत्री आवास में बहुत तरीके की सुविधाएं होती हैं जैसे, और बहुत उन सुविधाओं का बहुत बड़ा नीड है, आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यूनाइटेड स्टेट्स से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, यूएन से बान की मून साहब आए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए, तो भाई यदि वो लोग आएंगे, बाहर से पूरी दुनिया में आपका मैसेज जा रहा है, तो इससे भारत की एक इमेज बाहर जाती, और वो दिल्ली है, तो दिल्ली में ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक है, तो बिल्कुल हमें जरूरत है उसकी, तो उन्होंने उसको बनाया। भाजपा का क्या है, आपको यदि कंपेरिजन करना है तो चलते हैं भोपाल में, लेक व्यू के ऊपर मुख्यमंत्री आवास है, देख लेते हैं। उसमें जब शिवराज सिंह चौहान जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो तब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, आज क्या है, उसमें कितना स्टाफ है, कितना खर्चा होता है, निकालिए। मैं तो आपको कह रहा हूं आरटीआई लगाइए तो देंगे नहीं जानकारी। आम आदमी पार्टी हमेशा बदलाव की बात करती है, तो मध्य प्रदेश में किस तरह के बदलाव होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी दो तरीके के बदलाव की बात, एक होता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, तो आप जनता को कुछ तुरंत के फायदों की बात करते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए तो तुरंत में आपके जीवन में ये बदलाव आएगा, जैसे पानी, बिजली, ये जो हमारे कुछ वादे रहते हैं जनता को कि हम आपकी बिजली मुफ्त करेंगे, या हम आपको पानी मुफ्त करेंगे, या फिर महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देंगे, या फिर ये जो 1,000 वाली योजना शिवराज सिंह जी लाए, ये असल में हमारी ही योजना है, पंजाब के हमारे मैनिफेस्टो में ये थी, और अभी हम उसके इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस में थे, और इन्होंने यहाँ पे चुनाव को देखते हुए शुरू कर दिया।
तो एक होता है तुरंत में जनता को फायदा देना और एक होता है लॉन्ग टर्म राष्ट्र निर्माण के कार्य के। अभी समस्या यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम पे फोकस कर रहे हैं, उनको अभी वोट चाहिए बस। वो कह रहे हैं कि आपको हम तो 1,000 दे देंगे, एक कह रहा है हम आपको 1,500 दे देंगे, एक कह रहा है कि 1,500 देंगे तो हम 3,000 दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपका लोन माफ कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम इतनी बिजली। वो सब ठीक है, वो तो आपको देना ही चाहिए, अच्छी बात है, हमसे ही सीखे ये, नहीं तो इसके पहले तो नहीं देते थे कभी, हमने सिखाया इनको ये भाई फोकट में वोट ही नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को ये सिखाई कि इनको वोट देने से पहले इनसे लो कुछ, तो पहले तो पब्लिक को फायदा मिले, ये है शॉर्ट टर्म। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी है, एक हमारे पास राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है कि हम सबसे अच्छे सरकारी स्कूल बनाते हैं, हम सबसे अच्छा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहे, हमारे देश के बच्चे पढ़ें लिखें, शिक्षा उनकी इतनी अच्छी हो कि वो सिर्फ भारत में नहीं विदेश में हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी आज IIT में चयन उनका हो रहा है, हमने दिल्ली में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जिसमें बच्चे रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन हमने, हमने देशभक्ति कार्यक्रम लागू किया कि हम देशभक्त पैदा करें, स्कूलों का काम हो कि देशभक्त बच्चे वो बनाए, देशभक्त नागरिक बनाए। हमारे पास एक लॉन्ग टर्म कार्यक्रम भी है और हमारे पास शॉर्ट टर्म कार्यक्रम भी है कि जनता यदि हमको वोट देगी तो तुरंत में आपका कुछ 5-7 हज़ार रुपए महीने का हम बचा देंगे ताकि आपका घर जो है वो सुकून से चले, इतनी भयंकर महंगाई चल रही है तो आपको कम से कम कुछ तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन हम एक दूरगामी सुंदर राष्ट्र के निर्माण की भी कल्पना करते हैं और हमारे कार्यक्रम उसके लिए भी है। ये कार्यक्रम इन दोनों के पास नहीं है, ना भाजपा के पास और ना कांग्रेस। जैसा अधिकांश देखा जाता है कि जो फ्री वाली चीजें होती हैं उसको लेकर सबसे ज्यादा अगर पिसता है तो वो मध्यम वर्गीय वर्ग, उनके लिए कभी कोई सरकार कोई विचार नहीं करती, क्या वजह है? देखिए मैं नहीं मानता कि कोई सरकार नहीं करती, हमारी सरकार करती है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में। मैं आपको उदाहरण देकर के कार्यक्रम बता सकता हूँ। जैसे मध्यम वर्गीय भी दो तरीके का वर्ग है, एक ग्रामीण मध्यम वर्गीय वर्ग है और एक शहरी मध्यम वर्गीय वर्ग। तो पहले मैं ग्रामीण की बात करूं, पंजाब में आज 30-30, 40-40 सालों से जो नहरें सूखी हुई हैं आज उनमें पानी आने लगा, वहां का जो किसान है वो समृद्ध होगा, उससे उसको पानी मिलना शुरू होगा, वो और समृद्ध होगा। सबसे ज्यादा MSP देने वाली सरकार है पूरे देश में, सबसे ज्यादा MSP देने वाली सरकार है पंजाब सरकार हमारी। ना सिर्फ सबसे ज्यादा फसलों पे, सबसे ज्यादा MSP थी पैसे के तौर पे भी, कीमत के तौर पे, उससे वहां के मध्यम वर्ग को फायदा हुआ। ये है ग्रामीण। शहरी क्षेत्र में हमने महिलाओं के लिए फ्री बस राइड की व्यवस्था करी, ये मिडिल क्लास महिलाएं हैं जो घर से निकलती हैं, काम पे जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, रोजगार पे जाती हैं, उनके लिए स्कीम है। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जो असल में एक तरह से मिडिल क्लास को ही कैटर करती है, और इसीलिए भाजपा को हमसे सबसे ज्यादा डर है, इसीलिए है क्योंकि ये जो भाजपा का कोर वोटर है वो हमसे प्रभावित है, वो हमसे इसलिए भाजपा डरती है कि उन्हें पता है कि ये जो भाजपा का अर्बन कोर वोटर है वो किसी पार्टी से एग्री करता है, किसी पार्टी के साथ टूट के चला जाएगा तो हम आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमने उनके लिए किया है, हमने उनके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बनाए, हमने उनके परिवार के लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने उन इन परिवारों की महिलाओं के लिए फ्री बस राइड की व्यवस्था की, हमने उन किसानों के लिए नहरों की व्यवस्था की। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? पूरी 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ी, पूरी चुनाव लड़ेगी। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कुछ सीटें आती हैं और इस बीच अगर गठबंधन की बात आई तो समर्थन क्या देंगे या फिर स्वतंत्र रहेंगे? देखिए ये बहुत मतलब अभी तो बहुत इमेजिनरी सिचुएशन है कि आगे क्या स्थिति आएगी। एक गठबंधन ऑलरेडी है, अब आप और हम जानते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया जो गठबंधन है उसका हम आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा है। कल राज्यसभा के सेशन में पूरे इंटैक्ट होकर के सारे गठबंधन ने एक साथ वोट किया है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो एक तरीके से डिस्क्लोज्ड है अब कि आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे तो एक गठबंधन में है ही। प्रदेश स्तर पे क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, ये भविष्य के जत में है और मुझे अभी उस पर मैं कुछ कमेंट कर पाऊँ उतनी कैपेसिटी में मैं हूँ नहीं, बट लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है।
प्रदेश की राजनीति में आप जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, तो आगे आपकी और क्या योजनाएं हैं पार्टी को लेकर? देखिए, पार्टी को अभी हम सबसे पहला काम हमारा यह है कि हम बूथ स्तर पे अपनी टीमें तैयार करें। इस वक्त आम आदमी पार्टी हर गांव में एक ग्राम समिति और हर वार्ड में वार्ड समितियों का निर्माण का काम कर रही है। हम काफी सक्सेसफुली पिछले 2 महीनों में लगभग 70% से ज्यादा हमने अपने संगठन का निर्माण प्रदेश में कर लिया है। मुश्किल से कुछ ही दिनों में हम इसको 100% कर लेंगे और फिर हमारे पास हर बूथ पर एक टीम होगी। को किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंपेन हम वैसे भी सबसे अच्छा करते हैं, ये सबको पता है। आम आदमी पार्टी के जैसा कैंपेन कोई नहीं करता, लेकिन कैंपेन के बाद वोट को बूथ पे कन्वर्ट कराना जो है वो अगला बड़ा चैलेंज रहता है। उसमें हम अभी तक उतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा संगठन जमीन पे जा रहा है और जैसे ही एक बार हम संगठनात्मक स्तर पे इतने मजबूत हो जाएंगे कि हमारे पास हर बूथ पे संगठन इंटैक्ट हो चुका होगा, फिर हम हमारा जो कैंपेन है वो नेक्स्ट लेवल पे। तो आप देख रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी को, जिन्होंने अपने सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आगे फिर हम इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।